गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड ओपन योर साइंस इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर पेज नंबर आपका सिक्सटी वन तो पेज नंबर सिक्सटी वन में हम रिविजन करेंगे वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई जिस वर्ड्स के लास्ट में एल वाई आता है जैसे ये सेंटेंस है हाउ डज़ अ टर्टल वर्क टू टर्टल वर्क स्लोली हाउ डज़ अपी चेज द बॉल अपपी चेज द बॉल प्लेफली हाउ डज जरा राइट जरा राइट नीटली एंड द विंड ब्लो स्लोली तो इसी प्रकार से आपके क्या थे मोस्ट वर्ड्स एंडिंग इन एलवाई डिस्क्राइब इन एक्शन क्या बता रहे हैं जहाँ पे काम हो रहा है एक्शन के बारे में बता रहे हैं तो ज़्यादातर में क्या है एलवाई का यूज़ हो रहा है अब देखिए इस प्रकार यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी थी एक एक्सरसाइज में ये है आपको क्या करना है सर्कल करना है जहाँ पे एलवाई है तो क्या था द इंजीनियर फिक्स द प्रॉब्लम इजली इजिली में हमने सर्कल किया सेकेंड माई शीप डॉग सेट लेजली बाय द पुल थर्ड नीट स्टॉप्ड सडनली एंड लिसन फोर्थ नाथन स्टैंप्ड हिज फीट एंगरली सैम फेल डाउन एक्सीडेंटली The truck honked loudly. My grandpa snored loudly. Peter climbed up the hill carefully. Okay, आगे देखिए आगे हमारे पास क्या था आगे हमारे पास था ड्रॉ लाइन्स द मैच एंडिंग डूइंग वर्ड्स विद द एलवाई आपको यहाँ पे जैसे दे रखे सेंटेंस और वो उनका एक्शन वर्क क्या हो रहा है उस पर आपको करेक्ट मैच करना है जैसे सन कैसे चमकता है द सन साइंस टू सन साइंस ब्राइटली ठीक है ना ग्रैनी वॉक्स ग्रैनी वॉक्स क्वाइटली द बर्ड सिंगिंग द बर्ड सिंगिंग स्वीटली ठीक है ना समीता लॉब्स स्लोली फिर क्या था प्लीज सिट प्रॉपरली होल्ड माई आर्म्स टाइटली द थीप्स जंप थ्रो द विंडो क्विकली आई डिड ऑल द सम्स करेक्टली फादर स्पोक टू मी एंगली ओके फिर इसमें फन टाइम था फन टाइम में क्या था ड्रॉ लेंस टू मैच एल वाई विद द कॉलम इन द अपोजिट इसमें क्या है अपोजिट है जैसे क्विकली का स्लोली केयरफुली का केयरलेसली सैडली का हैपली अनटाइडली का नीटली ठीक है फिर क्या था क्वाइटली का नोजली नाइसली का बैडली स्ट्रॉन्गली का वीकली राइटली का रॉन्गली और पोलाइटली का रूडली तो इस प्रकार से हमको एल वाई जो वर्ड्स है इस पर हमने क्या किया मैच इनके अपोजिट तो आपका यहाँ पे ये रिवीजन कंप्लीट होता है आपने बुक में फिल कर रखी रहिए है आप फिर से देखिए और इसी प्रकार से ये एल वाई वाला हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है इसका रिवीजन और आ, कल से आपको इसी से मॉडल टेस्ट बना के दिए जाएंगे जो कि आपके जो जितने भी चैप्टर इसमें आ रहे हैं जो आपने पहले भी आपको बताया गया था कि सेकेंड यूनिट टेस्ट में आपके कहाँ से आएंगे आपके आएंगे हैज़ मतलब ट्वेल्थ चैप्टर से सॉरी दा हाँ, ट्वेल्थ चैप्टर से हैज़ हैड शॉर्ट फॉर्म्स एंड वर्ड्स एंडिंग इन वाई तो इन्हीं तीनों सेंटेंस के आपको मॉडल टेस्ट बना के दिए जाएंगे जो आप खुद करोगे तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं तो आप अभी इसको देखिए जो आज करवाया गया इसको ध्यान से देखो ओके